कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। यूपी के गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकते हुए जज से अभद्रता की गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज अनिल कुमार से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। यहां दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। जज ने फोन करके पुलिस और PSC बुला ली। वकीलों का आरोप है कि जिला जज ने कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद कर पुलिस द्वारा पिटवाया गया। इससे कई वकीलों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल कोर्ट में तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस और PSC को कचहरी में लगाया गया है। देखिए गाजियाबाद पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वकीलों पर अत्याचार बंद करो। कोर्ट में एक विवाद हुआ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और उसके बाद पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है? ये जो विवाद नहीं था एक जितेंद्र सिंह एडवोकेट थे उनका मामला था। उनको भैया दिखाई जिसमें मेरा बेटा भी वकील है वो भी गवाह मुकदमे में था। गाजियाबाद के कम से कम 50-60 वकील थे जिस समय जिला जज की कोर्ट। कुलदीप सिंह ने ये कहा जिला जज से कि साहब चूंकि बहुत सारे वकील है कोर्ट में भीड़ हो रही है इस बिल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा अगर आपके जज साहब आपकी फुर्सत अगर नहीं है आप ज्यादा भेजिए तो इस बिल को जिन तरफ ट्रांसफर कर दीजिए किसी के आकर दीजिए जिसको आप चाहे ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुटते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते को उन्होंने जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था और उसने यहां तक ही कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं। ये जिला जज की लैंग्वेज नहीं है। जिला जज खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया। उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की गोली भर के अंदर ले जाने लगे। लेकिन उन्होंने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे कर रही। मैंने यहां तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो इन पर लाठी चार्ज करो। और फिर अचानक DCP जो शहर का है राजेश उसने लाठी चार्ज किया वकीलों को गालियां दी। कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है और मारा नहीं है भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी है उनको भी डंडे लगे। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है उसको भी सिर फटा है चोट है। मुझे भी 10-10-20 डंडे लगे होंगे। बहुत सारे वकील पीटे हैं। किसी वकील ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि जिला जज ने जिस भाषा का खड़े होकर कोट उतारते हुए बैंड खोलते हुए जो गालियां दी हैं वो सीधी सीधी कंटेंप्ट की परिभाषा में आती है और उससे ज्यादा बड़ा कंटेंप्ट को कुछ नहीं हो सकता। जिला जज ने सारी सीमाएं पार कर दी है। गाजियाबाद का वकील अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है। 4 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा।
जिला जज का बायकॉट हम लोगों ने शुरू कर दिया है जब से, जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे की रणनीति हमें क्या करना है, वकील करना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बुलाने हैं, पूरे प्रदेश के वकील बुलाने हैं, दिल्ली के पूरे वकील बुलाने हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि जिला जज से हमारी कानूनी वैचारिक ये सारी लड़ाई आर पार की होगी और तब से पहले गाजियाबाद का वकील मानने वाला नहीं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप सारे पत्रकार हैं, गाजियाबाद के सारे पत्रकार चले जाइए, जिला जज की सीसीटीवी को ले लीजिए, अगर जिला जज आपको दिखा दे और उसमें एक वकील ने अगर बदतमीजी की हो तो नारायण सिंह यादव वकालत छोड़ने के लिए तैयार, अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए तैयार। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत कायम हुआ थाना कवि नगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 के लगभग DJ साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नारायण सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहां चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई, मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां अटक करने लगे, कुछ देर बाद अग्रेसिवली DJ साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, DJ साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी, जब पुलिस फोर्स DJ साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है, साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।